friends, welcome to the Fast Track Revision Course of Competition Community. I'm Nikat Parveen Khan and we all are heading towards the end of this Polity FTR session. Jaldi ek aadhi class aapki aur bachi hai aur Polity ke jo FTR ka session hai wo khatam ho jayega. Dekhiye, throughout this journey of this FTR, we have endeavored, humne koshish ki hai ki hum Polity ke takriban sabhi topics se related questions aapko provide kar sake. तकरीबन सभी टॉपिक्स को कोशिश की गई कवर करने की, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं. द सेकेंड थिंग इज़ नो वन कैन गारंटी यू 100% श्योरिटी इन एनी एग्ज़ाम. अगर आपसे कोई कहता है कि हमने जो आपको पढ़ाया उस पर आग बंद कर कर आप इतना यकीन कर लें कि आपको पूरे 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो दैट इज़ इनप्रैक्टिकल. ठीक है, 100% नहीं बन सकता, बिकॉज हर कोई हर चीज़ ना पढ़ सकता है ना समझ सकता है. तो इतना है कि जितनी चीज़ें हमने कवर की, इट विल कवर द मेजॉरिटी ऑफ योर टॉपिक्स. अगर आपने इतने क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशंस और उसके इर्द गिर्द के टॉपिक्स सुने, समझे, पढ़े, तो इतना है कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में से, तो उसमें से 7 क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं. इतने टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया है अच्छे से, जिस तरह से हमने ताकीद की, जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया, इज दैट क्लियर? ठीक है. सो एक और करेक्शन भी करना था मुझे. एक्चुअली लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में जो एक्सप्लेनेशन लिया गया था और जो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था उसमें मिसमैच था. ठीक है, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट. हमने भी उसे बाद में देखा एंड सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, एडिटिंग और डिस्प्ले की मिस्टेक्स की वजह से वो सारी चीज़ें हो गई थी. तो आज की इस वीडियो में उसे हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 11 था जो डिस्प्ले हो रहा था, मैं आज उसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ विद द करेक्ट आंसर. मेरे ख्याल से उसका आंसर भी करेक्ट नहीं लिया गया था. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन था आपका? ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, आपके सामने फिर से वो स्क्रीन पर अपीयर होगा. क्वेश्चन आपका शेड्यूल से था. इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपकी चार शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ दी गई थी और सामने उसका टाइटल यानी विषय वस्तु दिया गया था और आपको मैच करने के लिए कहा था. क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग में 3rd, 9th, 4th और 10th शेड्यूल. और सामने दिया गया है उच्च सदन में सीटों का बंटवारा, दल बदल निषेध कानून, कुछ अधिनियमों का वैधानिकरण, भाषाएं और शपथ का प्रारूप. और सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन और पूछा है कि बताइए कौन से शेड्यूल में कौन सी विषय वस्तु मैच करती है. बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. आपके सामने कुछ कोड्स दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5, 3, 1 एंड 2. ठीक है, क्योंकि जो थर्ड आपका शेड्यूल है हम सभी जानते हैं वो संवैधानिक पदों के शपथ से रिलेटेड, इट हैज़ बीन रिलेटेड टू द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. जो नाइन्थ शेड्यूल है तो उसमें शपथ दिया हुआ है 5th में. 9th शेड्यूल जो है लीगलाइजेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, कुछ अधिनियमों के विधानीकरण, जैसे कि भूमि सुधार जो सिस्टम है वो अस्तित्व में आया था. 1st अमेंडमेंट 1951 से 9th शेड्यूल अस्तित्व में आया था, तो उससे रिलेटेड है, इसलिए आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसमें जाएगा. उसके बाद 4th शेड्यूल जो चौथी अनुसूची है, वो सभी जानते हैं कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को बताता है. इंडिया में पॉपुलेशन वाइज हर राज्य में राज्यसभा की सीटों का किस तरह से बंटवारा होगा, उससे संबंधित है चौथी अनुसूची. तो इस वजह से उसका आप जो लिस्ट 2 का 1st वाला ऑप्शन है वो इससे मैच करेगा. चौथा है आपका 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची. और शायद पहले भी कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि ये दल बदल निषेध कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और इस वजह से ये जो लिस्ट 2 का 2nd ऑप्शन है उससे मैच करेगा. तो ऑन एंड ऑल 5, 3, 1 एंड 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस व्हिच हैपेंड इन द लास्ट लेक्चर. लेट अस नाउ मूव ऑन टू टुडेज एफटीआर सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं. और आपके कुछ ऑप्शंस दिए, पहला है 14, 15, 17, सेकेंड ऑप्शन है 14, 19, 21, थर्ड है 32, फोर्थ है 19, 20, 21 और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. क्विकली आंसर. आंसर है इसका ऑप्शन बी, 14, 19 और 21. सी द क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट, भाग 3 से दिया गया, हम सभी जानते हैं. आई नीड नॉट टू रिपीट ऑल दिस थिंग, क्योंकि सबसे बेसिक पार्ट है संविधान का. तो फंडामेंटल राइट्स में जो एग्जैक्ट लिस्ट दी गई है फंडामेंटल राइट्स की, वो 14 से 32 के बीच में दी गई है. वैसे तो ये फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कह सकते हैं आप, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक कह सकते हैं आप मौलिक अधिकारों को. और ये सभी ही जो अधिकार हैं 14 से 32 के बीच में, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन
तब भी इनमें से ये तीन अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, जो कि संविधान को लिखे जाने का एक मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ जो सरकार या प्रशासन अस्तित्व में है उनके ऊपर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है इन अधिकारों से। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है, इससे एब्रप्ट लॉज बनने से रुक सकते हैं। उसके अलावा 1921 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो भी हो सकती हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के तहत, डेमोक्रेसी के तहत, उनकी ओर इंगित करता है। इस वजह से वैसे तो सारे ही मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 14, 19 और 21 जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों को मौलिक कहे जाने के पीछे जो मेन वजह है ना, कि इसे मौलिक इसलिए कहते हैं कि दे आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के पूर्ण विकास में ये बेहद सहायक होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इसे मौलिक कहते हैं। तो ये जो वजह है इन्हें मौलिक कहने की, उस वजह को पूरी तरह से सर्टिफाई करते हैं, इंश्योर करते हैं ये तीन अधिकार 14, 19 और 21। विधि के समक्ष समानता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो 19 में दी गई हैं, और 21 में आपका फ्रीडम ऑफ लाइफ या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो डू रिमेंबर, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी, मौलिक अधिकार एक इजी पार्ट है आपके संविधान का। 14, 19 और 21 को आप गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। विद दैट वी नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से हैं, और इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है दैट दी DPSPs, इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, वो इसके मोटिव को बताता है, ऑब्जेक्टिव को बताता है, सेकेंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो। तीसरा है नीति निषेक तत्व व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, यानी वो इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। चौथा है आपका निदेशक तत्व नकारात्मक है, मतलब ये नेगेटिव डेवलपमेंट से प्रोहिबिट्स द स्टेट टू वर्क ऑन सम मैटर। ठीक है, यानी कि वो राज्य को किसी मामले पर प्रतिबंधित करते हैं। और पांचवा स्टेटमेंट है निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, लॉज आर नीडेड टू एनफोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सी वी हैव अर्लियर ऑल्सो डेल्ट विद दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज DPSP, मतलब संविधान के इस भाग को हमने पहले भी लिया है कई बार, डे वन से हमने DPSP के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो अब तक के तो इसका जो पूरे थीम है वो अभी तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, और उसी पर से सवाल है, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 4 में जो नीति निषेक तत्व दिए गए हैं, जो कि सरकार के लिए एक तरह की मॉरल गाइडलाइंस हैं कि वो कानून जब भी बनाए तो इन नीति निषेक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाए, इन गाइडलाइंस की फिलॉसफी के ऊपर ये कुछ सवाल हैं। तो हम आंसर में बाद में पहुंचेंगे, स्टेटमेंट एनालिसिस तो हम एक एक करके देखते हैं कि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और क्वेश्चन में देखो इनकरेक्ट कौन सा है वो आखिर में ढूंढना है आपको। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो देखिए पहला वाला जो है आपका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि DPSP जो है वो गैर न्यायोचित होता है, नॉन लीगली इन्फोर्सिएबल होता है, मतलब न्यायपालिका द्वारा आप इसे ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होता है। तीन मौलिक चीज़ों में, अधिकार, कर्तव्य और DPSP, इन तीन मौलिक चीज़ों में केवल और केवल मौलिक अधिकार हैं जो आपके जस्टिशिएबल होते हैं, मौलिक कर्तव्य और DPSP नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। इस वजह से ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये राइट है कि कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। फिर सेकंड है आपका नीति निषेक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, बिल्कुल सही। ठीक है, कोशिश की जानी चाहिए कि किसी भी तरह से डेमोक्रेसिक, मतलब जो आपका डेमोक्रेसी है वो चाहे सोशल डेमोक्रेसी हो चाहे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, ऐसे कानून बनाए सरकार की समाज में लोकतंत्र, चाहे वो आर्थिक मायने में हो चाहे वो सामाजिक मायने में हो, वो स्थापित हो सके। ये हमारा एक उद्देश्य प्रस्तावना में भी इस तरह का दिया गया है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का। तो DPSP में ऐसी गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, ख़ासतौर पर आप जो सोशलिस्टिक या समाजवादी आप जो नीति निषेक तत्व देखेंगे उसमें आपको कुछ ऐसे DPSP मिलेंगे जो सीधा सीधा बताते हैं कि किस तरह से सरकारी इनिशिएटिव्स लेकर के ऐसे कानून बना सकती हैं जो लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही ही लग रहा है, पहला भी सही है, सेकेंड भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं,
नीति निषेध तत्व व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। तो देखिए, नीति निषेध तत्व जो है ये व्यक्तिगत नहीं, ये लोक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। मतलब दे आर नॉट टारगेटेड इंडिविजुअली, दे आर टारगेटेड पब्लिकली। मतलब ऐसे कानून बनाना चाहिए जो मेजॉरिटी के भलाई में हो, पब्लिक के भलाई में हो, व्यक्तिगत तौर पर नहीं जनहित में हो। इस वजह से इंडिविजुअल वेलफेयर से ज़्यादा आप इसको कहेंगे कि कंपैरेटिवली उतना सही स्टेटमेंट नहीं है डीपीएसपी से रिलेटेड। ठीक है, फिर फोर्थ हम देखते हैं, नीति निषेक तत्व नकारात्मक हैं, ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट फोर है ये भी सही नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा है कि डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव्स की तरफ ये ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सरकारों को कैसे कानून लाने चाहिए, कैसे सोसाइटी में वेलफेयर इस्टेब्लिश करने के लिए कानून बनने चाहिए, उनकी तरफ ये कुछ गाइडलाइंस हैं। तो ये नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं हैं, ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक हैं। तो उस हिसाब से थर्ड वाला भी जो है, क्योंकि वो व्यक्तिगत की ओर इशारा करता है जबकि हम कहते हैं कि डीपीएसपी जनहित के लिए बनाए गए हैं, तो थर्ड भी स्टेटमेंट गलत लगता है, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत लगता है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, लॉज आर नीडेड टू एनफोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल खुद से तो लागू नहीं होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना है तो कोई भी केंद्र या राज्य सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉग्निशन में लेकर के सरकार पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉज यानी कानून पारित कर सकती है और लॉज के द्वारा डीपीएसपी को लागू कर सकती है। जैसे पंचायती राज देख लें आप, या शिक्षा का अधिकार देख लें आप, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें डीपीएसपी को ही एक बेसिक मान करके कानून बनाए गए थे। तो कानून का आधार ही डीपीएसपी था इन सभी केसेस में। तो आप बोलिए, जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, स्वयं से लागू नहीं होते। तो फिफ्थ भी सही है। तो देखिए, थोड़ा सा थियोरेटिकल फिलोसफिकल क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि शायद सभी सही हैं, बट इनमें जैसे थर्ड और फोर्थ है ना, उसमें थोड़ी सी बस ये चीज़ जो मैं स्पेशली इंडिकेट करना चाहती हूँ वो ये है कि थर्ड में इंडिविजुअल वेलफेयर किया है जबकि यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान दिया जाता है डीपीएसपी में, और फोर्थ में नेगेटिव कहा है जबकि डीपीएसपी आर मेनली पॉजिटिव गाइडलाइंस। तो इस वजह से थर्ड फोर्थ गलत होगा, और इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, कथन तीन और चार, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। असत्य कथन तीन और चार, बाकी सारे करेक्ट हैं। ठीक है, इज देयर क्लियर? थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, डिस्प्यूटेबल हो सकता है, बट ये एक्सेप्ट किया जा सकता है दैट थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। सो द क्वेश्चन नंबर थ्री रीड्स एज, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों में शामिल हैं, मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपका है भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ये पहला स्टेटमेंट। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में सहयोग व समर्थन देना, दूसरा। विकसित एवं विकासशील विश्व में समान आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना, जहां लगभग 4 मिलियन भारतीय रह रहे हैं और जो तेल और गैस आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनमें इनमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी पॉलिटी ने राज्य व्यवस्था के दायरे के अंदर भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। आपके ऑप्शन हैं ओनली वन, ओनली टू, टू, थ्री, फोर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं ये एक डेफिनेट अम्बिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें दो चार ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही होंगी। और जब आप चारों चीज़ें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ज़रूर कि इंडिया की विदेश नीति जो डिज़ाइन की गई है उसमें ये सभी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। मतलब मेरा साफ इशारा आप समझ रहे होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ़ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ़ दी अबव इसका सही आंसर है। मतलब ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, विदेश नीति का मेन आधार ही यही है कि भारत के हितों की वैश्विक स्तर पर
रक्षा की जा सके। उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में सहयोग व समर्थन देना। इंडिया खुद एक बड़ा विक्टिम है आतंकवाद का, टेररिज्म का, इसलिए हम भी चाहते हैं कि दूसरे देशों से हमें सपोर्ट मिले और हम भी दूसरे देशों को आतंकवाद जैसे एविल से लड़ने के लिए सपोर्ट कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति में आतंकवाद भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर शामिल किया गया है। तीसरा है टू प्रमोट इक्वल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। इंडिया इन इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, एंड वी वांट टू लाइक वी विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि हम एक विकासशील देश हैं और विकसित देश का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दोनों ही में आप कह सकते हैं विकासशील देशों में भी हम टॉप 5 इकोनॉमीज में आ सकते हैं, आते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि टू प्रमोट इक्वल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। हम ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय जो दल हैं या ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स हैं, जैसे कि G20 हो गया या हो गया ब्रिक्स, ठीक है, या फिर आप जानते हैं कि हम सार्क के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स के मेंबर हैं जहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव यूनानिमसली लिया ही जाता है कि जिन जिन भी ग्रुप्स में हम मेंबर्स हैं उन ग्रुप में सभी मेंबर्स के बीच में, उनके वहाँ के लोगों के बीच में एक तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना रहे, एक तरह का सोशल कोऑपरेशन बना रहे, और इन सभी देशों का और वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सोशल डेवलपमेंट हो। तो इंडिया की विदेश नीति में ये शामिल ऑब्वियसली है ही। चौथा है आपका टू स्ट्रेंथन आर टाइज विद दी कंट्रीज ऑफ द गल्फ रीजन। जाहिर से बात है हम इकोनॉमिक अपना जो बेनिफिट है वो तो देखेंगे। एक तो गल्फ कंट्रीज़ जो होती हैं, खाड़ी जो देश हैं, वहाँ पे आप जानते हैं हमारे साउथ इंडियन रीजन से ख़ासतौर पर काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे कार्यरत हैं, ठीक है। जो भी आपके खाड़ी देश हैं वहाँ पे इंडिया के एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि डायस्पोरा है जो वहाँ पर काम करता है, तो उनके साथ हमें उस वजह से भी एक इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बनाकर रखना है। साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो मेन सप्लायर हैं पूरे विश्व में ऑयल के, ठीक है, और वो वहाँ से ऑयल हमें भी प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गल्फ कंट्रीज़ हमारे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितने दूसरे बड़े देशों के लिए, तो उनके साथ एक अच्छे संबंध बनाकर रखना ये भी हमारी विदेश नीति में शामिल है। देर आर मैनी मोर, और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, और आप अक्सर देखिएगा ऐसे तरह के क्वेश्चंस में अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव नेगेटिव सा लिखा हो, नॉर्मली आंसर ऑल ऑफ द अबव रहता है। मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें नीतियाँ में क्या क्या शामिल हैं, इस तरह का सवाल जब आता है ना, तो नॉर्मली कुछ नेगेटिव अगर स्टेटमेंट हो तो वही आप एक्सक्लूड कर सकते हो, पर इस तरह की जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं वो सभी को आप इंक्लूड करोगे, नॉर्मली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रहता है, ठीक है। तो ये जो चार चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा DPSP आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 कहता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर बल देता है अनुच्छेद 51, और उस वजह से ही हमारी सारी विदेश नीतियां डिज़ाइन की गई हैं अनुच्छेद 51 को प्रमोट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस हिसाब से इसके सही स्टेटमेंट्स सारे के सारे होंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 रीड्स एज, वर्तमान समय में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, एट प्रेजेंट अ पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज स्टेट लेवल पार्टी। मतलब पूछा है आपका सवाल, क्वेश्चन क्या है आपका, कि कोई दल को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देने के लिए इनमें से जो दिए गए क्राइटेरिया हैं उनमें से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। स्टेट लेवल पार्टी का रिकग्निशन मिलने से संबंधित इन स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा पढ़ें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि उस दल के राज्य विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो। दूसरा है आपका, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों के कम से कम 10% या 10% सीटें प्राप्त की हों। तीसरा है, यदि वह दल लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करती है। और इन सभी स्टेटमेंट्स में फिर आपके कोड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा B1 and 3, ठीक है। 1 और 3 सही हैं, मतलब 6% वोट्स इन दी स्टेट असेंबली पोल्स एंड 6% वोट्स इन दी लोकसभा या लोअर हाउस, उसमें मिलने चाहिए। सेकंड वाला जो है कि 10% वोट्स या 10% सीट्स मिलने चाहिए, ये गलत है। तो देखिए इसे ज़रा समझें, ये एक एक्चुअली मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने उठाया
ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है जो कि राजनीतिक पार्टीज से रिलेटेड होता है कि कोई भी पार्टी को नेशनल लेवल पार्टी या स्टेट लेवल पार्टी का जो दर्जा मिलता है वो दर्जा मिलने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज रहते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पार्टीज़ पहले तो ये भी पढ़ लें कि कौन कौन से नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही था, उसके क्राइटेरिया भी पढ़ लें। उसके अलावा हम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है स्टेट लेवल पार्टीज़ के ऊपर, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा मिलने के लिए इन 5 शर्तों में से कोई शर्त पूरी करनी होती है। ठीक है, दे हैव टू फुलफिल दीज 5 क्राइटेरियाज। ठीक, मतलब ईदर ऑफ द 5 क्राइटेरियाज, और वो क्राइटेरियाज हैं, पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर वो पार्टी ने लास्ट विधानसभा का चुनाव लड़ा है, मतलब स्टेट का आपका जो असेंबली इलेक्शन हुआ है वो लड़ा है मान लीजिए, तो उसमें जितनी भी टोटल वोट्स पोल हुए, मतलब कि जितने भी उसमें कुल मतदान हुआ, उसके कम से कम 6% वोट्स इसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 जो दिया है ना, वो उसी वजह से हमने करेक्ट लिया है, उसमें हम बाद में आएंगे, पहले से समझ लें। विधानसभा चुनाव जो भी हुए हैं लास्ट, उसमें जो कुल मतदान हुआ उसके 6% वोट्स इन्हें मिलने चाहिए, और साथ ही साथ इन एडिशन इसके साथ ये भी है कि कम से कम 2 MLAs उस पार्टी से विधानसभा में जाने चाहिए, उस जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन में है कि एक तो कुल जितना मतदान हुआ उसका 6% वोट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उस विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के कम 2 विधायक आने चाहिए विधानसभा में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की वोट्स के आधार पर। ठीक, दूसरा जो इसका क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया लोकसभा से रिलेटेड, जो भी अभी लोकसभा इलेक्शन में वो पार्टी ने पार्टिसिपेट किया है, जो भी अंतिम लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके लिए भी एक स्टेट लेवल पार्टी का मिलने का एक दर्जे का क्राइटेरिया है, और वो ये है कि सेम चीज़ उसमें भी टोटल उस राज्य से जो टोटल मतदान हुआ है उसके 6% वोट्स उस पार्टी को मिलने चाहिए, जो भी टोटल वोट्स पोल हुए हैं उसके 6% वोट उस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलने चाहिए, साथ ही साथ वो पार्टी एक MP भी भेजे लोकसभा में। मतलब ये दोनों चीज़ें इन एडिशन हैं, लोकसभा चुनाव में मतदान के 6% जो सीटें हैं वो उस पार्टी को मिलनी चाहिए, और सीटें नहीं जो 6% वोट हैं वो मिलने चाहिए, प्लस उस पार्टी का एक व्यक्ति लोकसभा में सदस्य बनना चाहिए उस चुनाव में। ठीक, दे हैव टू रिटर्न 1 member ऑफ पार्लियामेंट इन दैट पर्टिकुलर लोअर हाउस इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे MLA वाला क्राइटेरिया क्या था, कम से कम 2 MLA जाना चाहिए उस पार्टी से, और MP वाला क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 1 सांसद जाना चाहिए उस पार्टी से, 6% वोट प्लस 1 सांसद, 6% वोट प्लस 2 विधायक। ठीक है, उसके अलावा अब ये तो वोट्स के हिसाब से हो गया, सीटों के हिसाब से भी क्राइटेरिया है, ये वोट्स जितने टोटल वोट्स बने उसके 6% के हिसाब से, सीटों के हिसाब से भी क्राइटेरिया है, वो समझिए कि जो आपका LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ना, विधानसभा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो जो विधानसभा है अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो विधानसभा में उस राज्य में जितनी टोटल सीटें हैं, यदि कोई पार्टी स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा पाना चाहती है तो टोटल सीटों में से कम 3% सीटें उसे हासिल करनी होगी, या 3 सीटें हासिल करनी होगी उनमें से जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज़ मोर। ठीक है, मतलब 3% सीट हो सकता है 5 या 6 हो, तो 3% सीट हासिल करनी होगी, या 3 सीट तो कम से कम हासिल करनी होगी। मैं बात क्या कर रही हूँ, अगर ये वोट वाला क्राइटेरिया हम नहीं लेते, सिर्फ सीट वाला क्राइटेरिया लेते हैं, तो उस केस में 2 वाली बात नहीं होगी, कम से कम 3 सीटें हासिल करनी होगी, या जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं उन विधानसभा की सीटों में से 3% सीट हासिल करनी होगी, इन दोनों में जो भी ज़्यादा है। ठीक है,
ठीक, समझ में आ रही चीज़ें। उसके अलावा चौथा क्राइटेरिया अगेन लोकसभा से रिलेटेड है, सीटों के आधार पर। पहला क्राइटेरिया जो था ये वोट के आधार पर था, जिसमें वोट के साथ साथ कितने सदस्य जाने चाहिए वो था। दूसरा जो क्राइटेरिया है ये सीटों के आधार पर है, ठीक है। और पहले मैंने विधानसभा का बताया, जैसे इसमें बताया था, फिर लोकसभा, फिर यहाँ पे विधानसभा, फिर लोकसभा समझें। लोकसभा में सीटों के आधार पर ऐसा है कि कम से कम उस पार्टी की 1 out of 25 सीट्स, या जो भी प्रपोर्शन तय किया जाता है, ठीक है, ये प्रपोर्शन तय किया जाता है, बट एक बेसिक क्राइटेरिया है कि हर 25 में से एक सीट उस पार्टी की होनी चाहिए। आप टोटल वोट्स पोल्ड यानी मतदान का कुल प्रतिशत के हिसाब से नहीं काउंट कर रहे हो, सीटों के हिसाब से काउंट कर रहे हो, तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि उस राज्य से हर 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट उस पार्टी की हो। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रही चीज़। और फिफ्थ क्राइटेरिया है कि अगर आप ये सीटों के चक्कर में पड़ते ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए विधायक और सांसद कितने जाने चाहिए, कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये वाले क्राइटेरिया को आप छोड़ देते हो और प्लेनली ये देखना चाहते हो कि कुल मतदान में कितने प्रतिशत वोट हासिल करने से किसी राज्य स्तरीय पार्टी को दर्जा मिल सकता है स्टेट लेवल पार्टी का, तो उसमें है 8%, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस में हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस में हो। विधानसभा में कुल जितना मतदान हुआ, या लोकसभा में अगर वो पार्टी खड़ी हुई है उसमें कुल जितना मतदान हुआ, उसकी यदि अगर 8% टोटल वोट्स जो डले हैं उसके 8% वोट्स इन्होंने हासिल कर लिए हैं, तो भी उन्हें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है पहले, दूसरे और आखिरी क्राइटेरिया में, कि इसमें 6% के साथ 2 MLA ये भी ज़रूरी है, और इसमें 6% के साथ 1 MP ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप MP और MLA वाला क्राइटेरिया नहीं लेते हैं, तो ऐसे में प्लेनली कुल मतदान की यदि 8% वोट्स आपकी पार्टी को मिलते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में हो, तो आपकी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इन वेरी सिंपल टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन ऑल द 5 criteria. अ पार्टी हैज़ टू फुलफिल एनी ऑफ दीज 5 criteria. इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो दर्जा मिल जाएगा। इज़ दैट वेरी क्लियर? ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वो कहता है कि यदि पार्टी ने 6% टोटल वैलिड वोट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए हैं तो बिल्कुल सही हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। सेकंड में 10% दिया हुआ है, जबकि या तो 6% होना चाहिए, या सिर्फ अगर आप पोलिंग के परसेंट के हिसाब से देखोगे तो 8% होना चाहिए। 10% का इन क्राइटेरिया में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला जो है कि 6% लोकसभा चुनाव में होने चाहिए, वो भी सही है। तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों में 6% वोट वाला क्राइटेरिया सही है। इस वजह से फर्स्ट और थर्ड सही है, पर सेकंड वो जो 10% वाला क्राइटेरिया है वो कहीं पर भी नहीं, इसलिए वो गलत है। एक और चीज़ आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि मैम अगर 6% वोट वाला दिया गया है क्राइटेरिया, तो ओरिजिनल क्राइटेरिया में तो 2 MLA और 1 MP भी है, और अगर हम उसे नहीं लेते हो स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 भी गलत होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात कर रहे हैं तो 8% होना चाहिए आंसर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऐसा डायलेमा में रख करके कभी कभी क्वेश्चंस रखे जाते हैं, पर यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने, ऑप्शंस में कहीं पर भी नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऐसा दिया ही नहीं गया है। आपके ऑप्शंस में केवल एक और तीन ऐसा दिया गया ऑप्शन में। मतलब ये है कि उसने फर्स्ट और थर्ड को एक बेसिक क्राइटेरिया के तौर पर एक्सेप्ट किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि 6% यदि किसी पार्टी को मिल गया, ठीक एडिशन में है, वो बात की बात है, एडिशन में और भी क्राइटेरिया हैं, पर एक क्राइटेरिया ये तो है ना कि 6% अगर वोट्स मिल गए तो वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे मिल सकता है, ठीक है। भले ही वो स्टेटमेंट पूरा नहीं है, पर जितना दिया है वो क्राइटेरिया में आता है, इसलिए हम उसे ट्रू लेंगे। ऐसे ही जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें भी भले ही वो पूरा नहीं है कि 1 MP भी जाना चाहिए, लेकिन उस क्राइटेरिया का आधा हिस्सा तो है ना, आप उसे नकार तो नहीं सकते, इसलिए आप उस स्टेटमेंट को भी करेक्ट लेंगे भले ही कंप्लीट नहीं है। इसलिए 1 और 3 को आपको करेक्ट लेना पड़ेगा। सेकेंड में तो सीधा सीधा फॉल्स ही दिखा रहा है कि 10%, ना तो 6% लिया, ना तो 10%, ना तो आपका 8% लिया, इसलिए वो सेकेंड सीधा सीधा रॉन्ग है।
समझ में आ रही चीज़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पांच क्राइटेरियाज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और ऑप्शन बी 1 और 3 आपका सही जवाब होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। सो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा एक समस्या नहीं माना गया है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से ये क्वेश्चन है, मैंने इसका जिक्र पहले भी किसी वीडियो में ज़रूर किया होगा, ठीक है। मैंने इस पर से 1-2 क्वेश्चंस लिए हैं अपने अर्लियर लेक्चर्स FTR में, तो आप उसे ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को पढ़ें। और पूछा है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इनमें से किसे एक प्रॉब्लम नहीं समझता या उसे डील नहीं करता है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म या फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। What will be the answer? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा खतरा। देखिए हमने पहले भी पढ़ा कि सन 1961 में बने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया हेड्स, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, दे फाइंड वेज टू लुक फॉरवर्ड एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म। मतलब इन सभी का मेन काम होता है कि क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद से जुड़ी भारत में जितनी समस्याएँ हैं उनके लिए उपाय खोज सके और इनसे जुड़े कोई भी प्रॉब्लम भारत में ना हो, ना पैदा हो, ऐसी चीज़ों को सुनिश्चित कर सके, ऐसे उपायों को सुनिश्चित कर सके। तो इन सभी का मेन उद्देश्य इन 3 समस्याओं से निपटना है। एक धर्म के आधार पर जो भी आपका, एक तो कम्युनलिज्म हो रहा है कम्युनिटी के आधार पर और जाति व्यवस्था जो है, और जो तीसरा पार्ट इसमें दिया गया है रीजनलिज्म, क्षेत्र के आधार पर जो भी आपस में रंजिशें होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, धर्म के आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर होता है या जाति के आधार पर होता है, ठीक है। तो भारत की एकता और अखंडता के लिए ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कोशिश करती है कि ये 3 आधार पर जो उपजी भारत में समस्याएँ हैं उनका निवारण किया जा सके और ऐसी कोई समस्या भारत में पैदा ना हो। तो 3 मोटिव्स ये शामिल किए गए हैं, जो चौथा इसमें दिया है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अ वेरी इजी क्वेश्चन बट एक डार्क एरिया से था, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। कुछ संशोधन आपके सामने दिए गए हैं और उसके सामने लैंग्वेजेस लिखी गई हैं और आपसे पूछा है कि बताएं ये किस संशोधन से कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं हमारे संविधान में, अस्तित्व में आई हैं। 21st अमेंडमेंट 67, 71st अमेंडमेंट 92, 92nd अमेंडमेंट 2003 और सामने लैंग्वेजेस दी गई हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर सेकेंड है सिंधी और थर्ड है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। व्हाट विल बी द आंसर? यू हैव बीन गिवन फ्यू कोड्स इन द ऑप्शंस। यस, इसका आंसर होगा बी, ए का 2 यानी 21st अमेंडमेंट से सिंधी, बी का 1 यानी 71st अमेंडमेंट से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और सी का 3 यानी कि 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा आपका जो अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 है, लैंग्वेजेस रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से हैं। हम सभी जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ऐसी भाषाएं थी जिसे हमारे संविधान ने मान्यता दी थी, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ संशोधनों के जरिए उसमें लैंग्वेजेस बढ़ती गईं और वर्तमान में 22 ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें हमारा संविधान रिकग्नाइज करता है। तो जो जो संशोधन इसके ज़रिए हुए जिसमें 14 से ये संख्या 22 हो गई, उन्हीं में से कुछ संशोधनों का इसमें उल्लेख है कि कौन से संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई। जो अंतिम संशोधन था वो 92nd अमेंडमेंट ही था जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेजेस जोड़ी गई और उस हिसाब से लैंग्वेजेस टोटल हो गई 22, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी आपके लैंग्वेज से जुड़े संशोधन उसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये 3 ही मेन आपके इंपॉर्टेंट संशोधन हैं विच आर रिलेटेड टू शेड्यूल 8, जिसके वजह से 14 से 22 हुई संख्या, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि किसी सदन के सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के निर्हरक माना जाएगा। मतलब किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से किन केसेस में वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर सेंट्रल लेवल पर किसी सांसद की बात हो रही हो या राज्य स्तर पर किसी विधायक की बात हो रही हो, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है और बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिस
वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहला है यदि वह स्वेच्छा से संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, इफ ही रिलिंक्विशेस हिज लाइक मेंबरशिप फ्रॉम अ पार्टी जिससे वो इलेक्ट होकर आया। दूसरा है आपका संबंधित राजनीतिक दल से उसे 30 दिनों के भीतर क्षमादान प्राप्त ना हुआ हो। तीसरा है आपका संबंधित राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता हो। और ऑप्शंस में कुछ कोड दिए हैं, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। मतलब अगर उसने अपनी इच्छा से मेंबरशिप छोड़ दी है पॉलिटिकल पार्टी से और उसने पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट डाला है। मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन दल बदल निषेध कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से है जो हमारे संविधान के अनुसूची 10 में जोड़ी गई बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, 10th शेड्यूल है आपका जिसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लिखा हुआ है, दल बदल निषेध कानून, उसमें ये जोड़ा गया था आपका 52nd अमेंडमेंट 1985 से अस्तित्व में आया था, या 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से की टिकट से जीत कर पहुंचता है, चाहे विधानसभा की बात कर लूँ मैं या संसद की बात कर लूँ, पहुंचता है तो ये दल बदल निषेध कानून के अंतर्गत कुछ कंडीशंस में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उन्हीं में से कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो पहला 2-3 इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी की टिकट से वो खड़ा हुआ और जीत गया, सांसद बन गया मान लीजिए, तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दे सकता, पार्टी बदल नहीं सकता और पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोट नहीं डाल सकता। और यदि वो ऐसा करता है तो स्पीकर को ये राइट होता है कि वो उसे डिस्क्वालीफाई कर दे। ठीक है, तो याद रखना ये सीधा सीधा मैं अभी वही क्राइटेरिया बता रही हूँ जो ऐसे व्यक्ति के लिए है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुन कर गया। तो पॉलिटिकल पार्टी से आप चुन कर गए हैं तो पार्टी से इस्तीफा नहीं दे सकते, आप पार्टी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल तौर पर ग्रुप में की जा सकती है। और तीसरा ये कि आप पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट, इन पार्टी अगर बोल रही है आप फॉर में वोट डालिए तो आप अगेंस्ट में वोट नहीं डाल सकते, अगेंस्ट में बोल रही है तो आप फॉर में वोट नहीं डाल सकते, उनके निर्देशों के विपरीत एक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दल बदल निषेध कानून के अंतर्गत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से है। इस हिसाब से जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट इस क्राइटेरिया में नहीं आता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन क्विकली टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र में दो उम्मीदवारों से अधिक वोट नोटा को प्राप्त हो तो इसमें से फिर क्या होगा? आपको दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि अगर मान लीजिए जो वोटिंग हुई उसमें नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन होता है नोटा, उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, दो उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट्स नोटा को मिले हैं तो इसका कंसिक्वेंस यानी इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शंस में दिए गए हैं उस विधानसभा क्षेत्र में पुनः निर्वाचन होगा, दूसरा है उन दो उम्मीदवारों में सर्वाधिक वोट वाले को विजय करार दिया जाएगा, तीसरा है यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की सीट रिक्त हो जाएगी, और चौथा है दोनों उम्मीदवारों को हटाकर नए उम्मीदवार द्वारा चुनाव कराया जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, उन दो उम्मीदवारों में सर्वाधिक वोट वाले को विजय करार दिया जाएगा। मतलब अमंग्स दोस टू, जिनसे ज़्यादा नोटा को मिला है उन दोनों में से जिसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं ही विल बी लाइक डिक्लेयर्ड एज अ विनर, एज अ विक्टर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव वाले न्यूली एडवेंटेड एक कॉन्सेप्ट से है। सन 2009 में नोटा सबसे पहली बार, आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहली बार नोटा का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। छत्तीसगढ़ के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में छत्तीसगढ़ ने पहली बार नोटा का ऑप्शन रखा था, तो इंडिया में पहली बार छत्तीसगढ़ ही है जिसने नोटा का एक ऑप्शन दिया था। उसके अलावा पहली बार असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा इलेक्शंस में सन 2013 में नोटा का इस्तेमाल, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ मिजोरम NCR, ठीक है, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें नोटा की बटन पहली बार आपको इंट्रोड्यूस होती दिखेगी। मतलब 2013 की बात है कि नोटा की बटन पहली बार विधानसभा के चुनाव में EVM मशीन्स पे डाली गई थी। ठीक है, और उसके बाद 2019 के कई चुनावों में भी नोटा का इस्तेमाल किया गया है। नोटा का मतलब यदि कोई व्यक्ति मौजूदा जितने भी सदस्य उस क्षेत्र से खड़े हैं उनमें से किसी को वोट नहीं डालना चाहता तो वो नोटा का इस्तेमाल करके अपना मत जाहिर कर सकता है कि आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन ऑफ देम।
मेरा वोट इनमें से किसी को नहीं जाता, नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स आई वांट, ठीक है। तो नोटा किसी व्यक्ति की मौजूदा खड़े सभी सदस्यों को नकारने का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2009 में छत्तीसगढ़ में पहली बार स्थानीय निकाय के चुनावों में इसका इस्तेमाल किया गया, और एक बटन के तौर पर नोटा 2013 में 5 राज्यों के चुनाव में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इस पे क्वेश्चन ये पूछा है कि मान लीजिए ऐसा होता है कि दो उम्मीदवारों से ज़्यादा नोटा को मिल जाते हैं वोट, तो होता क्या है। हमें ऐसा लगेगा अगर नोटा अगर जीत गया, मतलब नन ऑफ द अबव को ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया है, मतलब वहाँ की मेजॉरिटी जनता ये चाहती है कि मौजूदा लोगों में से कोई भी नहीं आना चाहिए। तो दिमाग में आता है कि शायद अगर नोटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है तो शायद उनमें से किसी को लाया नहीं जाएगा, बाकी के जो दो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई नहीं जीतेगा, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ द अबव ही ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोई नहीं जीतेगा। पर ऐसा नहीं है, नन ऑफ द अबव का या नोटा का ऑप्शन ला जरूर दिया गया है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक औचित्य, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि नोटा को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, उसके बाद भी ऐसा होगा कि बाकी के जो दो कैंडिडेट्स हैं उनमें जिसको हायर वोट मिला होगा वो जीत जाएगा, मतलब कहने का कि ये नाम मात्र के लिए कॉन्सेप्ट आया है लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो उतना नहीं पड़ेगा। लोगों का मत जाहिर ज़रूर हो जाएगा पर इसका उतना कोई बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। एज यू कैन रीड द स्टेटमेंट, मैंने अभी वही स्टेटमेंट दोहराया, ठीक है। That is all with question number 8. Now let us move on quickly to the next question. So आपका अगला question है, वर्तमान समय में राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की अर्हता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। You have to identify the correct statement जो कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के qualification से related है, और आपके options दिए गए, उम्मीदवार जिस राज्य से निर्वाचित होना चाहता है उसे वहाँ का मतदाता होना आवश्यक है, ठीक। उम्मीदवार देश के किसी भी क्षेत्र का मतदाता हो अपने पसंदीदा राज्य से चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है, उम्मीदवार एक राज्य का मतदाता है जब उस संबंधित राज्य के राज्यपाल उसे अनुमति प्रदान करें। उम्मीदवार एक राज्य का मतदाता हो कर दूसरे राज्य से चुनाव भी लड़ सकता है जब उसे संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त अनुमति प्रदान करें, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहले समझिए, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा तो उसमें इनमें से कौन सा क्राइटेरिया उसे उसकी क्वालिफिकेशन के अंडर लिया जाता है, उसकी योग्यता जो होती है इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो उसकी योग्यता के अंदर लिया जाता है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा इसका ऑप्शन बी। कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट ही लाइक्स, ईदर ही इज़ अ वोटर ऑफ एनी एरिया ऑफ द कंट्री। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर कोई सांसद बनना चाहता है तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम और राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा यानी अपर हाउस कहीं पर भी हो, स्टेट में हो या सेंट्रल लेवल हो 30 ईयर्स, लोअर हाउस स्टेट हो चाहे सेंटर हो 25 ईयर्स क्वालिफिकेशन होती हैं। इनके अलावा मैंने एक एक्ट का मेंशन किया था आखिरी लेक्चर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, आरपी एक्ट कहा जाता है इसे, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। इनमें कुछ और एडिशनल क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं और उसमें ऐसा था कि जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा में जाना चाहता है वो व्यक्ति उसी राज्य का इलेक्टर या मतदाता होना चाहिए, उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची में होना चाहिए। हालांकि बाद में सन 2003 में राज्यसभा से ये आवश्यकता हटा दी गई, ठीक, और 2006 में इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहेल्ड किया। इसका मतलब ये है कि अब उसी एक्ट के हिसाब से ऐसा है कि राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी राज्य की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो और आप आसाम से चुनाव लड़ना चाहते हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया फॉर राज्यसभा और वहाँ पर उस राज्य की वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल होना ज़रूरी नहीं है। लोकसभा में ये ज़रूरी है पर राज्यसभा के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो सेकंड ऑप्शन आपको बताया, कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट ही लाइक्स ईदर ही इज़ अ वोटर ऑफ एनी एरिया ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और उसमें सन 2003 में किए गए बदलाव के हिसाब से।
ठीक है. नो लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया, परंतु यह संविधान अंग्रेजी भाषा में था, किस संविधानिक संशोधन द्वारा इसे हिंदी में प्राधिकृत किया गया. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा जा रहा है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो एनफोर्स हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था. पूछा ये जा रहा है कि इसे हिंदी में ऑथोराइज्ड किस संशोधन के जरिए किया गया. तो ऑप्शंस हैं आपके 56th, 57th, 58th and 59th संशोधन. बताइए क्या होगा इसका आंसर. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 58th Amendment 1987. 58th Amendment 1987. तो देखिए, जैसे कि अभी अभी मैंने कहा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इंग्लिश में था, हालांकि 1950 की बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरी एक साइन करके इसका एक हिंदी का भी ड्राफ्ट पब्लिश किया था. ठीक है, सन 1950 की बात है कि संविधान निर्मात्री सभा ने इसका हिंदी का ड्राफ्ट भी पब्लिश किया था, लेकिन उसके बाद से ये मांग ज़रूर हो रही थी कि आप इसके हिंदी के ड्राफ्ट को रेगुलरली पब्लिश कीजिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था. यानी उसको प्राधिकृत नहीं किया गया, उसे ऑथोराइज नहीं किया गया. इट वॉज ओनली इन द ईयर 1987 बाय दिस अमेंडमेंट, 58th Amendment 1987 के ज़रिए ऐसा हुआ कि ये पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा ये, अगर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की बात हो रही है तो पार्ट 22 अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स. आप पढ़ते हैं ना शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट, हम पढ़ते हैं ना ये सब चीज़ें. भाग 22 में इस संशोधन के जरिए एक आर्टिकल ऐड किया गया 394A, और इसी में लिखा गया अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी. तो भाग 22 में इस पर्टिकुलर संशोधन के जरिए इस आर्टिकल से ही अंडर प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी इसका पब्लिकेशन हिंदी में भी किया जाता है रेगुलरली. ठीक है, तो इसके प्राधिकृत करना, हालांकि पब्लिश 1950 में हिंदी में हो चुका था, लेकिन प्राधिकृत इस संशोधन के जरिए किया गया, और इस संशोधन में जो जोड़ा गया वो ये आर्टिकल था, कुछ और प्रावधानों के साथ. इंपॉर्टेंटली याद रखना है 394A जोड़ा गया था, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी भाग 22 में. ठीक है, with that we have completed question number 10. Now let us move quickly to the question number 11. To aapka question number 11 hai, Hindi has been accepted as a main regional language by which state under provision mentioned in the constitution. Hindi main kshetriya bhasha ke taur par inme se kis rajyon mein apnai gayi hai, adopt ki gayi hai. Himachal Pradesh, Haryana, Odisha, Uttarakhand, Chhattisgarh, aur aapke options inme se kuch combination diye gaye hain. तो बताइए भाई, हिंदी इनमें से किन किन राज्यों में मेन ऑफिशियल रीजनल राजभाषा के तौर पर अपनाई गई है. इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 4 और 5, मतलब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़. ओडिशा नहीं होगा, क्योंकि ओडिशा में ओडिया जो है वो मेन क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ना कि हिंदी. तो देखिए, ये क्वेश्चन हम सभी समझ रहे हैं कि ये पार्ट 17 यानी राजभाषा से लिया गया है, और पार्ट 17 में खासतौर पर 345 से लेकर 347 में क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में जो बात हुई है उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है. भारत में सभी राज्यों को ये स्वायत्ता दी है, हालांकि केंद्र की जो राजभाषा है वो तो हिंदी ही है. ठीक है, लेकिन राज्यों को ये स्वायत्ता दी गई है कि वो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर किसी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा उनके राज्य में जो उसे चुन सकते हैं. तो राज्यों ने ये अडॉप्ट किया है. तो आउट ऑफ ऑल दी स्टेट्स, मैं सिर्फ स्टेट्स की बात करें फिलहाल, आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स आप देख सकते हैं कि 8-9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने हिंदी को ही ऑप्ट किया है मेन क्षेत्रीय भाषा के तौर पर. इसमें जैसे ऑप्शन दिया ना, हिमाचल प्रदेश में है ही, हरियाणा में है ही, उत्तराखंड में है ही, छत्तीसगढ़ में है ही, उसके अलावा मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, राजस्थान में है, बिहार में है, झारखंड में, ठीक है, ये 5 हो गए, और ये 4, ऐसा करके 9 हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली, और कुछ ऐसे हैं जिनमें हिंदी ऑप्शनल के तौर पर भी है, पर ये जो 9 ऐसे स्टेट्स हैं इनमें तो हिंदी ही क्षेत्रीय भाषा के तौर पर इन्होंने अपनाई है. तो दिए गए ऑप्शंस में ओडिशा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओडिया है क्षेत्रीय भाषा, बाकी 4 जो हैं वो हिंदी को ऑप्ट किए हैं. तो इस वजह से आपका आंसर होगा सी, 1, 2, 4 और 5.
Is that clear? Now let us move on quickly to the last question of our today's session of Polity FTR, question number 12. So the last question for the day is, Bharat ke samvidhan ke anusar Bharat ke rashtrapati ka ye daitva hai ki wo sansad ke samaksh nimn se kise rakhenge. Pehla hai aapka kendra vitt aayog ki anushansaon ko, lok seva samiti ki prativedan ko, uske alawa CAG ke prativedan ko aur anusuchit jati ke liye rashtriya aayog ke prativedan ko. Aur aapke options mein kuch koot diye gaye hain, keval 1, keval 3, 2 aur 4 aur 1 तीन और चार. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बहुत इजी है. प्रेसिडेंट के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, इट इज एन इजी क्वेश्चन, दो एनालिटिकल. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4. ठीक है, मतलब कि रिकमेंडेशंस ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन को रखेंगे, थर्ड आपका ऑप्शन जो है CAG की रिपोर्ट को रखेंगे और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की रिपोर्ट को रखेंगे. जो सेकेंड ऑप्शन है आपका रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे नहीं रखेंगे. तो सेकेंड ऑप्शन गलत है. जो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही है, प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड. तो देखिए, प्रेसिडेंट की शक्तियों से संबंधित ये क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं कि जितने भी केंद्रीय स्तर के संवैधानिक निकाय हैं वो सभी के सभी राज्य एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं और वो एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति जो है वो संसद के सामने रखता है. क्वेश्चन में लिखा है ना कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ही विल कीप इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट. जितने भी आपके केंद्रीय स्तर की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CAG हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोई नेशनल कमीशन फॉर SC हो, ST हो या OBC हो, ठीक है, ये जितने आपके संवैधानिक निकाय हैं ये एक एनुअल रिपोर्ट यानी कि एक वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसके फाइनल अवलोकन के लिए संसद के सामने इन्हें रखता है. तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में तो दिया ही हुआ है कि यूनियन फाइनेंस कमीशन का, CAG का और नेशनल कमीशन फॉर SC जो है उनकी रिपोर्ट्स तो ये पेश करेगा पर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं करता. दरअसल प्रोसेस ये है, इसको पहले भी मैंने आपको बताया है CAG वाले लेक्चर में, कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति जो होता है इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंपता है. पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद को नहीं सौंपता. जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो खुद एक संसद की समिति है जिसे राष्ट्रपति CAG की रिपोर्ट अवलोकन के लिए सौंपता है. तो PAC को जो है वो आप मान के चले कि वो संसद का ही हिस्सा है, संसद की कमेटी जो CAG की रिपोर्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है. तो राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट संसद को नहीं सौंपेगा, CAG की रिपोर्ट PAC को सौंपेगा. ठीक है, मतलब CAG की रिपोर्ट इसने संसद को सौंप दी और संसद में जो PAC है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को क्रॉस एग्जामिन करेगी. ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है कि PAC की रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सौंपते हैं, जबकि PAC तो पार्लियामेंट की ही कमेटी है. ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी ये बाकी तीन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं. इज दैट क्लियर? तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे संवैधानिक निकाय हैं या इकाइयां हैं जिनकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इन्हें संसद के सामने सौंपता है. उन इकाइयों के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा. ठीक है, सो विद दैट वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज पॉलिटी FTR सेशन विद इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस जो आपको CGPSC प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकते हैं. अब एक दो ही क्लासेस बची हैं, हमने करीब करीब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं करीब करीब, और मैंने कोशिश की है कि एक एक टॉपिक में आपको मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि उससे और 5-7 सवाल बन सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस नाउ मीट टुमारो एट 8 AM शार्प विद फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.